बॉलीवुड की हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस पूनम पांडे अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कातिलाना अदाओं में नजर आती हैं और वो अपने हॉट वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं। साथ ही वो अब तक अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी सुर्खियां बटोरती नजर आई हैं। पूनम पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ 27 जुलाई को सगाई की थी, जिसके बाद अब दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। आपको बता दें, पूनम पांडे 1 सितंबर को बांद्रा में अपने बंगले में सैम बॉम्बे के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। वहीं अब वो शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर अपने पति सैम के साथ स्पॉट की गई। इस दौरान पूनम के हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर संदूर लगाया हुआ था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इससे पहले इनकी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। एयरपोर्ट पर इस कपल को मुंबई के सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भियानी द्वारा स्पॉट किया गया। तस्वीरों में पूनम पांडे अपने पति के साथ पूरी नई दुल्हन के अवतार में नजर आई, लेकिन उनका आउटफिट काफी सिंपल था। उसके बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पूनम ने पिच कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा है और उसके साथ सफ़ेद ट्राउजर पेयर किया था। वहीं सैम बॉम्बे पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट में दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये दोनों शादी के बाद अपने हनीमून पर जा रहे हैं। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर ये दोनों नए दुल्हा दुल्हन की तरह हाथों में हाथ डाले पोज देते दिखाई दिए। इन्होंने कैमरा के सामने खूब पोज दिए, लेकिन ये दोनों अपने हनीमून के लिए कहाँ गए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पूनम पांडे ने 3 साल के रिलेशन के बाद आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। इन्होंने गुपचुप शादी की है। जब पूनम पांडे से पूछा गया कि उन्होंने शादी का अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए हमको सेरेमनी सीक्रेट रखनी पड़ी। मैं और सैम लोकप्रिय कपल हैं। पूनम ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए शादी को निजी रखना पड़ा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।